This is Jayant Mahajan, and today I am teaching you a subject which is called Legal Aspects of Business. This subject is present in BBA as well as in BCom, and the topic which we will cover in this slideshow would be discharge of a contract. So let's start. Now, discharge means to end a contract, to end, to terminate the contract. if there are two parties or maybe more than two parties in a contract and they decide to end the contract they decide that बहुत हो गया अब हमको contract को, को खत्म करना चाहिए आपस में then they can with agreement discharge the contract वो अपना contract उन्होंने start भी किया था अब अपना contract खत्म भी कर सकते हैं agreement के साथ ही लेकिन हमेशा discharge ऐसे नहीं होगा डिस्चार्ज का मीनिंग है एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना लेकिन खत्म करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं अलग-अलग मोड होते हैं there are six modes

द सेकेंड वन इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट इट मीन्स इफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज देन द सेम कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो भी टर्मिनेटेड यूजिंग द सेम एग्रीमेंट एमंग दो पार्टीज इट मीन्स जिन पार्टीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करा था वही पार्टीज एग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रही हैं लेकिन एग्रीमेंट के साथ इट मीन्स अगर चार पार्टीज हैं चारों पार्टीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करा था तीन साल पहले और आज की डेट में वो चारों पार्टीज विद अग्रीमेंट उसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रही हैं डिस्चार्ज कर रही हैं तो वो होगा डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट नाउ डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट विल अगेन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड्स द फर्स्ट वन इज नोवेशन नोवेशन मीन्स टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू टर्मिनेट द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स देर आर थ्री पार्टीज ऑल द थ्री पार्टीज हैव अ कॉन्ट्रैक्ट गोइंग ऑन एमंग दैम Now, after some time, they decide that this present contract between them should be terminated, should be discharged, and in place of that, we should start and we should create a new contract among us. So, that process will be termed as novation. The second one is rescission. Rescission means cancellation. It means that if there are three parties and all the three parties decide together that okay, the contract which is going on. Should be discharged and no new contract will be formed. Then that is known as rescission. In this case, a new contract is not created and the old contract is discharged or terminated. The third one is alteration. This is not really a discharge of a contract between the parties. The reason is in alteration, all the parties decide to change the terms and conditions of a contract suppose there are five parties in a contract and all the five parties decide that the terms and conditions of a contract should be changed should be modified so in this case if they if they change the terms and conditions that is known as alteration in this case the contract will not be discharged but only the terms and conditions will be changed so this is known as alteration द फोर्थ वन इज़ रेमिशन रेमिशन मीन्स जितना आपने दूसरे पार्टी से लेना है उससे कम लेके और आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी दो पार्टीज हैं ए पार्टी ने अपना रॉ मटेरियल बी को सेंड कर दिया अब बी को ए को फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ देने हैं अब बी के पास फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ नहीं है ए को देने के लिए तो इन दिस केस ए हो सकता है ये कहे कि हाँ भी आपके पास अगर थर्टी थाउजेंड रुपीज़ हैं तो आप मुझे हैंड कर दो और ये कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्चार्ज करते हैं और आपको ट्वेंटी नहीं देने तो अगर ए पार्टी ये काम करता है तो हो सकता है कि बी पार्टी उसको थर्टी दे दे जो उसके पास थे और रेस्ट ऑफ ट्वेंटी ए ने माफ़ कर दिया और ए और बी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डिस्चार्ज हो गया तो ये कहलाएगा रेमिशन और जो फिफ्थ है वेवर वो इसी से रिलेटेड है वो इसलिए कि अगर ए पार्टी ने पूरे के पूरे पचास हज़ार रुपये माफ़ कर दिए होते और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया होता तो वो कहलाता वेवर तो नोवेशन रेसिशन एंड ऑल्टरेशन रेमिशन वेवर दीज आर द फाइव मेथड्स टू डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट नाउ डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एज द नेम इंप्लाइज द परफॉर्मेंस इफ द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टी टू परफॉर्म देन दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी डिस्चार्ज यूजिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस If a party cannot perform its performance, for example, there are three parties, all the parties have their respective obligations which they have to perform. First two parties can perform their obligations, but the third party does not have enough resources or manpower to perform its obligations. So the third party cannot perform the obligations. So it means that it is impossible for the third party to perform its obligations. So in this case, the contract cannot move ahead. इट हैज़ टू बी डिस्चार्ज बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नाउ इम्पॉसिबिलिटी कब अराइज़ होती है उसके हिसाब से दो पॉइंट और हैं दे आर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अगर ये इंपॉसिबिलिटी पता चलती है कॉन्ट्रैक्ट की मेकिंग के दौरान इनिशियल टाइम में तो वैसे हम बोलेंगे इनिशियल इंपॉसिबिलिटी और अगर ये इंपॉसिबिलिटी अराइज़ होती है आफ्टर सम टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो वो होगी सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बट चाहे इनिशियल हो चाहे सब्सिक्वेंट हो दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जब एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकती उस पार्टी के लिए इंपॉसिबल अपनी परफॉर्मेंस देना तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं उठता उसको डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा नंबर द नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम इट मीन्स दैट इट इज कनेक्टेड टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच वी ऑल नो दैट ब्रीच मीन्स इफ पर्टिकुलर पार्टी डज नॉट फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली देन दैट पार्टी हैज़ कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टीज हैं ए पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी एज पर कॉन्ट्रैक्ट पर बी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी किसी भी रीजन की वजह से नहीं दी अपनी परफॉर्मेंस तो बी पार्टी ने यहाँ पर क्या किया ब्रीच नाउ द ए पार्टी विल बी कॉल्ड एग्रीव्ड पार्टी जिसको नुकसान हुआ और बी पार्टी विल बी कॉल्ड डिफॉल्टिंग पार्टी जिसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी और उस परफॉर्मेंस ना देने की वजह से ए पार्टी को नुकसान हुआ वो हो गई हमारी एग्रीव्ड पार्टी नाउ अग्रीव्ड पार्टी कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी इन दिस एग्जाम्पल ए कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट बी बट ए हैज़ ओनली थ्री ईयर्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज थ्री ईयर्स फॉर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स इट मीन्स ए पार्टी हैज ओनली थ्री ईयर्स टू टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट बी इफ फॉर थ्री ईयर्स a does not take any legal action against b then after the completion of 3 years he cannot take any legal action and the contract would be discharged and now b has b does not have to do anything right so it means that if a takes a legal action within a period of 3 years then it's okay then it is up to the court what to decide what to do but if a does not take any legal action Within a period of three years, then it means the contract is discharged by lapse of time. And now A cannot take any legal action after three years, and B is also discharged from performing its obligations, and the contract between them is also discharged by lapse of time. But this will be done after three years. Now, the next one and the most easiest of these points is discharge by operation of law. इट मीन्स डेट इफ देर आर सर्टन सकमस्टांसिज दे अराइज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकॉज ऑफ दोज सकमस्टांसिस अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू भी डिस्चार्ज फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी की डेथ हो गई अब ये चीज़ तो कोई फोर्सी कर नहीं सकता ये चीज़ कोई प्रडिक्ट कर नहीं सकता ठीक है डेथ कभी भी हो सकती है ठीक है इंसॉलवेंसी कभी भी हो सकती है मतलब बैंक रपसी कहीं भी हो सकती है किसी के साथ भी हो सकती है इनसेनिटी मतलब पागल हो जाना वो भी किसी के साथ भी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ हो गया राइट तो दीज आर द दो सर्कमस्टांसिस इफ दे अराइज ड्यूरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट देन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सपोज देर आर टू पार्टीज ए एंड बी ए एंड बी बोथ आर गिविंग देयर रेस्पेक्टिव अब्लिकेशन ड्यू टू एनी रीजन ए डाइज सो इन दिस केस देर इज नो पॉइंट इन टेकिंग फर्दर दी कॉन्ट्रैक्ट बाई बी देर इज नो पॉइंट बिकॉज ए इज डेड सो इन दिस केस the contract between a and b will be discharged by operation of law these circumstances cannot be predicted and they can arise whenever they can arise we have to discharge the contract by lapse of time sorry by operation of law now discharge by breach of contract okay i told you that breach means if a party has not परफॉर्म्ड इट्स ऑब्लीगेशज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन दैट पार्टी हैज़ कमिटेड ब्रीच अगर किसी पार्टी ने रूल तोड़े हैं इसका मतलब उस पार्टी ने क्या किया ब्रीच नाउ ब्रीच करने की वजह से दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ है वी विल टेक एन एग्जाम्पल इफ देर आर टू पार्टीज ए एंड बी एंड ए हैज़ परफॉर्म्ड इज ऑब्लीगेशज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट बी पार्टी हैज नॉट परफॉर्म्ड इट्स ऑब्लीगेश तो बी पार्टी ने यहाँ पे क्या किया ब्रीच नाउ ए पार्टी हैज ए राइट टू टेक एनी legal action against b right so in this case what will happen the court case will start and the court will decide what to do for example if a and b a files a case against b in the court of law now court will decide that what will happen the court may order b to provide uh, a with damages or compensation बिकॉज बी की एक्टिविटी की वजह से ए का नुकसान हुआ बी ने ब्रीच करा उसकी वजह से ए का नुकसान हुआ इट मीन्स बी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे ए को तो कोर्ट ऑफ लॉ ये डिसीजन ले सकता है कि भी बी पार्टी विल पे डैमेजेस और कॉम्पनसेशन टू ए पार्टी सो दिस इज देयर तो दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अगर किसी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कोर्ट केस विल स्टार्ट नाउ ब्रीच टू टाइप्स के होते हैं पहला हो गया एक्चुअल ब्रीच एंड सेकेंड वन इज एंटीसिपेटरी ब्रीच एक्चुअल ब्रीच मीन्स दैट ऑन द ड्यू डेट अ पर्टिकुलर पार्टी हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म इट्स फॉर एग्जाम्पल ए हैज टू डिलीवर सम रॉ मटीरियल टू बी ऑन टेंथ ऑफ जून ना ऑन टेंथ ऑफ जून ए रिफ्यूजेज बी दैट ही कैन नॉट सेंड एनी रॉ मटीरियल इन दिस केस हैज़ परफॉर्म्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नोन एज एक्चुअल ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सपोज ए हैज़ टू डिलीवर सम रॉ मटेरियल टू बी ऑन टेंथ जून एंड एज कॉल्ड अपफोर टेंथ ऑफ जून सपोज ए ने कॉल करा बी को एट्थ जून में कॉल करके उसने कहा कि यहाँ पर मैं तो परसों माल नहीं भेज सकता तो यहाँ पर भी क्या हुआ ब्रीज बट दिस ब्रिज को कहेंगे हम एंटीसिपेटरी ब्रिज तो अगर ब्रिज हुआ है ऑन द ड्यू डेट देन दैट इज एक्चुअल ब्रिज ड्यू डेट से पहले ब्रिज हुआ है दैट इज नोन एज एंटीसिपेटरी ब्रिज लेकिन कोई सा ही ब्रिज हो एक्चुअल में होगा भाई द कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज बाय ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कोर्ट केस विल फॉलो सो दीज आर दिक्कस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट थैंक यू